जनपद में 2022 विधानसभा को सुकुशल संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षक सहायक अभियंता इंजीनियर मनोज कुमार की अध्यक्षता में अनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सहायक अभियंता इंजीनियर मनोज कुमार ने बताया कि जनपद में 9 विधानसभा चुनाव में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 20 जनवरी से लगातार चल रहा है तथा शनिवार को मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण का अंतिम दिन है तथा यह मास्टर ट्रेनर मतदान कराने वाले कार्मिकों को 27 जनवरी से राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा, मास्टर ट्रेनरों को मतदान के लिए रवानगी के दिन से पहले मतदान के दिन और वापसी तक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण में यह बताया जा रहा है कि मतदान टोलियों को इकट्ठा करना होता है और उसकी जांच करनी होती है और मतदान कराने के बाद लौटने के बाद किस तरह से मतदान पेटी को जमा करना होता है, यह सब भी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, ईवीएम के संचालन के लिए इंजीनियर के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक अभियंता मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार ने कहा, 22 तारीख से 2 तारीख के बीच पोलिंग पर्सन की मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण जुबली इंटर कॉलेज में होगा, शिक्षित करेंगे और आपकी ट्रेनिंग आपको एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ दी जा रही है। उस ट्रेनिंग में ऑब्जर्वर्स भी आते हैं जो कक्षों में बैठ जाते हैं, कक्षों में बैठकर आपके पढ़ाने की शैली और जो वहाँ पर उनसे भी रूबरू होते हैं, आपके पढ़ाने के तरीके को देखते हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी सीआई को करते हैं। इसलिए ये जो प्रशिक्षण सत्र हमारे जो मास्टर चीफ मास्टर ट्रेनर हैं इंजीनियर मनोज कुमार साहब, असिस्टेंट इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी में, ये मुख्य प्रशिक्षक हैं, आपको प्रशिक्षण देंगे। आपको प्रशिक्षण दो तरीके से दिया जाएगा। निर्वाचन की एक सामान्य जो प्रक्रिया है, मशीन को यथास्थिति छोड़ दे, उसमें कोई मशीन में आपको टोटल कराया जाएगा, आप शांति से बैठे हैं। दो चरणों में आपका प्रशिक्षण यहाँ होना है। पहला चरण होगा कि निर्वाचन की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, पोलिंग पार्टी की रवानगी जब से होती है लेकर के पोल डे के दिन, मॉक पोल, पोल डे के दिन जो पोलिंग एक्चुअल पोलिंग शुरू होती है वहां से लेकर पोलिंग के एंड तक, फिर सीलिंग की कार्यवाही कैसे होती है, फिर आप वहां से वापस आकर के आप अपने मतदान सामग्री को और ईवीएम को यहाँ जमा करते हैं स्ट्रांग रूम में। पोलिंग पार्टियाँ इसी विश्वविद्यालय जो पहले से होता आ रहा है विश्वविद्यालय परिसर से रवाना होगी और यही पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा की जाएंगे। हमारी जितनी एसीज हैं, 9 एसीज हैं, 9 एसीज के अलग अलग काउंटर्स बनेंगे, यहाँ से सारी पार्टियां डिस्पैच होंगी और यही फिर दोबारा मतदान कराने के बाद वापस आएंगे। आपकी ट्रेनिंग आप एज ए मास्टर ट्रेनर दोनों प्रशिक्षण में, एक प्रशिक्षण जो 27 तारीख से 2 तारीख तक जुबली इंटर कॉलेज में चलेगा और द्वितीय प्रशिक्षण जो पोल डे के 12 दिन पहले रेंडमाइजेशन होता है पूरी पर्सनल्स का, तब ड्यूटी ऑर्डर निकलती है, तो आप सेकेंड ट्रेनिंग दोनों में आप मास्टर ट्रेनर हैं। आपकी जो भी यहाँ जो आप पढ़ेंगे, जो आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो आपकी जिज्ञासा होगी इसकी क्वेरी यही कर लेंगे आप। हमारे चीफ मास्टर ट्रेनर इंजीनियर मनोज कुमार साहब आपको बारीकी से समझाएंगे, बताएंगे। आप समान प्रक्रिया को जानने के बाद ईवीएम रखी है इस पर आप हैंड्स ऑन करेंगे, आपको सॉल्व करना है यहीं पर। ये दिन भर का प्रशिक्षण है, 3 बजे 3:30 4 बजे तक चलता रहेगा और ये तीनों प्रक्रियाओं में सामान्य जानकारी दी जाएगी, उसके बाद आप ईवीएम पर हैंड्स ऑन करेंगे। भाई आपको एक पीठासीन की हैंडबुक दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा लास्ट में, उसको आपको यहीं हल करना है और यहीं हल करने के बाद तब आप जाएंगे। अधिकारी जीवन की इस ग्रुप में डीएम सर भी हुए हैं, आप आपस में क्वेरी करते रहिए कि मॉक पोल के दिन अगर मशीन खराब हो जाती है तो क्या करेंगे, एक्चुअल पोल शुरू होता है तो खराब हो जाती है तो क्या करेंगे। इंजीनियर मनोज कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। मतदान संपन्न कराया जा सकेगा। आप में से ऐसे कितने हैं जो पहली बार मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो काफी संख्या है, इसलिए पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट देना होगा। इसमें कुछ भाई ऐसे हैं जो विगत निर्वाचनों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका अदा कर चुके हैं, तो वो बखूबी जानते हैं। एक बार रिमाइंड होने की जरूरत है और भारत निर्वाचन के आयोग के जितने अपडेट्स हैं उनको विधिवत जानकारी उनके बारे में होना आपको नितांत आवश्यक है।
हमारे जो ट्रेनिंग है वो दो तीन चरणों में संपन्न होगी। पहला, जो निर्वाचन में मतदान से रिलेटेड आवश्यक सामग्री, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेटिंग इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी मैं दूंगा आपको, की प्रक्रिया का आनंद कैसे होता है, और फिर इस सारे जो दोनों एक सामान्य ट्रेनिंग होगा और पूरा सेट वो आपका होगा, आप अपने पास रखेंगे, वो आगे काम आएंगे। और जब आप ट्रेनिंग कराएंगे उस दिन, मैं मनोज कुमार गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर, जनपद गोरखपुर। सर, यहाँ से किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद गोरखपुर की विभिन्न 9 विधानसभाओं में लगे कार्मिकों एवं उनको ट्रेंड करने के लिए लगे मास्टर ट्रेनर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अर्थात सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य है। अतः मास्टर ट्रेनर्स की सबसे पहले प्रशिक्षण का कार्यक्रम 20 तारीख से लगातार चल रहा है और आज अंतिम दिन है। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट आदि के कार्यक्रम हैं प्रशिक्षण के, इस तरह से। और 27 तारीख से जुबली इंटर कॉलेज में जो कार्मिक लगे हैं मतदान कराए जाने के लिए, उनका प्रशिक्षण प्रथम राउंड का प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, क्या क्या जानकारी दी जा रही है? इस प्रशिक्षण में मतदान के दिन से पहले, रवानगी के दिन से लेकर के मतदान के दिन और वापसी तक, और किस प्रकार से सभी सामग्री मतदान टोलियों को इकट्ठा करना होता है, उनकी जांच करनी होती है और फिर अपने बूथ के लिए रवाना होते हैं, वहां जाके मतदान इत्यादि कितनी प्रक्रियाओं से गुजरनी है, सारे के बारे में विस्तृत उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वहाँ से लौटने के उपरांत फिर काउंटर पर किस रूप में उनको सामग्री को जमा करना होता है, ये सारा डिटेल में उनको बताया जा रहा है। सर, EVM को संचालित करने के लिए भी बताया जा रहा है? हाँ, EVM को विधिवत संचालित करने के लिए हमारे टेक्निकल सारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं मास्टर ट्रेनर के रूप में। वो कार्मिकों को बिल्कुल EVM कैसे कैसे काम करती है और हर जागरूक मतदाता या जागरूक वहाँ पर लगे अभिकर्ताओं को हर पूरी पारदर्शिता और पूरी उनकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करता हुआ हमारा EVM है।